मैं गोंडी के आवाम से एक वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह 3 साल के अंदर गोंडी के सिग्नल के बाहर न किसी को शताब्दी जाना पड़ेगा, न किसी को राजावाड़ी जाना पड़ेगा, न किसी को साइन जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह 3 साल के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे पास हो चुका है। 4 तारीख को उसका उद्घाटन है और पूरे 2012 से लेके हम लोग मेहनत करते आए, पूरा काम करते आए। डॉक्टर साहब, जितने डॉक्टर साहब, राहिल कमल साहब डॉक्टर, जितने डॉक्टर सहयोग की पूरी टीम है, ये पूरी टीम साथ में थी और हम लोग ने पूरा मिलके एक साथ होके काम किया। ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 80 बेड है, ICU है, NICU है, यहाँ पे सिटीज के मैटरनिटी होम है, डिजिटल रूम है, या इसके अंदर जितने फैसिलिटी है, डॉक्टर बच्चे की पहले महीने से लेके, एक माह की पहले महीने से लेके 90 महीने तक का पूरा ट्रीटमेंट वहां पे होएगा, पूरी डिलीवरी का पूरा फ्री ऑफ चार्ज होएगा, पूरा डिलीवरी का जो भी होगा फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। 80% डिलीवरी हॉस्पिटल है। इसके ऊपर हम लोग ने बहुत मेहनत की है। एक तो पूरे इंडिया के अंदर पहला एक हॉस्पिटल है जो पास हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। मेरे भाइयों, हम मिलके 4 तारीख को मिलके सब आओ, सब साथ दो, सब मिलके गोंडी के एक नई पहल हो रही है। हमको जो बाहर जाना पड़ता था, साइंस से ये शताब्दी से बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, शताब्दी से राजावाड़ी से बड़ा बन रहा है कि उसमें 80 बेड ICU है और NICU भी है। मेरे भाई लोग, सबसे पहला मैं तहे दिल से आवाम का, पूरे लोगों का वापिस से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द 4 तारीख के अंदर उसका उद्घाटन होएगा। 4 तारीख को वर्धमान ज्वेलर्स के सामने, 4 तारीख को मेरे भाइयों वर्धमान ज्वेलर्स के सामने शाम में 4 बजे के टाइम पे आप लोग को आना है। ये मुझे तो काफी खुशी हुई, आई एम ग्लेड, मतलब बहुत खुश हुआ मैं कि हमारे एरिया में एक 7 मंजिला इमारत का हॉस्पिटल BMC बना रही है, जिसमें कॉर्पोरेटर सिराज भाई काफी योगदान रहा और मैं ये चाहूंगा कि इसका लाभ यहाँ के नागरिक सबको मिले और खासकर हमारे डॉक्टरों के लिए तो एक खुशी का ठिकाना नहीं है, जो कि मतलब हमको फौरन जो फैसिलिटी मिलती है, फौरन अटैक चाहिए आया तो उसको फौरन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो इमरजेंसी है वो फौरन इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। और मैं तमाम अपने डॉक्टर ग्रुप और तमाम डॉक्टर की तरफ से इसको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक, यहाँ की एसोसिएशन का हमारे साथ प्रेसिडेंट भी है और सीनियर डॉक्टर राहिल कमर साहब भी है। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस 20 साल से करते हुए आ रहे हैं, हम लोगों को मालूम है कि गोवंडी के पब्लिक को कितना प्रॉब्लम्स होता है ट्रैवलिंग के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के लिए और ट्रीटमेंट लेने के लिए, और ये इलाका डेंस है और दूसरे कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे सारे डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि मोहम्मद सिराज भाई कॉर्पोरेटर इलाके के, क्योंकि मेहनत कोशिशों और कागजों से जो है 4 तारीख को यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जो है ना हॉस्पिटल 7 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसमें कि तमाम तरह की फैसिलिटीज जैसे लाइक NICU ICU और मैटरनिटी वार्ड वगैरह खुलने जा रहा है। तो बहुत खुशी हुई हम सब डॉक्टरों को कि यहाँ की गरीब पब्लिक और गरीब लोगों को जो है बहुत बड़ा कन्वीनियंस होगा, ट्रीटमेंट उनको मिलेगा और हेल्प होगी उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ हम सब डॉक्टरों को भी बहुत खुशी होगी कि गरीब पब्लिक के लिए BMC और हमारे एरिया के ऑपरेटर सिराज साहब की मेहनत और उनकी काबिशों की वजह से कितना बड़ा सेटअप जो है यहाँ चालू होने जा रहा है। तो हम सारे एसोसिएशन के डॉक्टर्स की तरफ से हम लोग जो है ना सिराज भाई जो कॉर्पोरेटर है एरिया के, उनको जो है शुभकामनाएं दी जा रही हैं और इट इज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर गोवंडी पब्लिक की जो है उनका ट्रीटमेंट और उनके फैसिलिटीज के लिए जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ सिराज भाई को कि वो आगे और बढ़ें, गरीब पब्लिक की मेहनत करें और डॉक्टरों का कॉपरेट और BMC के हेल्प से पुअर और नीडी पब्लिक को मेहनत और मदद करने में काम जाए।